Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So, well students, today we are going to discuss a very interesting story, that is The Shepherd Boy and the Wolf. So, let's start. आपने obviously पहले सुनी होगी ये कहानी Shepherd Boy वाली, है ना, भेड़ चराने वाला एक लड़का और wolf. So, let's see what is there in this story. Once upon a time, there was a shepherd boy who used to take his flock of sheep to the hills to graze on the fresh green grass. एक बार की बात है कि एक शेपर्ड बॉय, भेड़ चराने वाला एक बॉय जो था, वो अपने फ्लॉक ऑफ शीप को, फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ शीप को, बहुत सारी शीप इकट्ठे होती है तो उन्हें बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप, अपने शीप्स के ग्रुप को लेकर, भेड़ों के ग्रुप को लेकर हिल साइड पे जाया करता था उनको वहां पर ग्रीन ग्रास चरवाने के लिए. मतलब जब भेड़ों ने ग्रास खाना होता था तो उनको ग्रास को ग्रास खिलाने के लिए वो उनको हिल साइड पर लेके जाया करता था. सिटिंग देयर ही हैड नथिंग टू डू द होल डे. और सारा दिन उसके पास कोई काम नहीं होता था सिवाय वहां आराम से चुपचाप बैठने के, क्योंकि भेड़ें अपना चरती रहती थी, घास खाती रहती थी और ये शेपर्ड बॉय, ये बेचारा बैठा रहता था और बोर हो जाता था. वन डे एन आइडिया स्ट्रक हिम. और एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया. अब क्या आइडिया आया? टू ओवरकम हिज बोर्डम ही क्राइड आउट वुल्फ वुल्फ. अपनी इस बोरियत को दूर करने के लिए, अपना जो वो बोर हो जाता था सारा दिन, तो इस चीज को उसने दूर करने के लिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया. ऑल ऑफ द विलेज मैन केम रनिंग विद देयर स्टिक्स. और सारे के सारे विलेज मैन जो थे वो अपनी स्टिक्स लेकर भागते हुए वहां आ गए. बट दे फाउंड नो वुल्फ. द बॉय लाफ्ड. बट उनको तो कोई वुल्फ दिखाई नहीं दिया और ये जो लड़का था वो जोर जोर से हंसने लगा. अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज ही क्राइड आउट वुल्फ वुल्फ एंड द विलेजर्स अगेन केम रनिंग अप द हिल एंड फाउंड दैट द शेपर्ड बॉय हैड फूल्ड देम अगेन. फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, फिर वो बोर हो रहा था, उसने सोचा चलो अब बहुत दिन हो गए, वुल्फ वुल्फ चिल्लाया था, सारे लोग आ गए थे, चलो आज फिर कुछ ऐसा करते हैं. He cried out, "Wolf, wolf!" और फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, "Wolf, wolf!" भेड़िया आया, भेड़िया आया. And the villagers again came running up. और सारे के सारे villagers फिर से भागे आए अपनी स्टिक्स लेकर उस हिल साइड पर. और फिर से उनको ये पता चला कि जो शेफर्ड बॉय है इसने तो फिर से उनको मूर्ख बनाया. He laughed and laughed, seeing that he had succeeded in fooling them again. और ये सोचकर कि उसने, उस लड़का, ये लड़के ने ये सोचा कि मैंने फिर से इन सारे विलेजर्स को, विलेजमेन को फूल बना दिया, मूर्ख बना दिया, तो ये सोचते हुए बहुत ज्यादा हंसा, बहुत ऊंचे ऊंचे हंसने लगा. हाउएवर दिस टाइम द विलेजर्स वेरी एंग्री. बट इस बार जो विलेजर्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे उसके साथ, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हो गया था उसने विलेजर्स को झूठ बोलकर बुला लिया था. एंड दे टोल्ड हिम दैट द नेक्स्ट टाइम ही क्राइज आउट फॉर द हेल्प दे वुड नॉट कम. और उसको बोला कि जब भी तुम दोबारा कभी ऐसी दोबारा चिल्लाओगे हेल्प के लिए तो हम कभी नहीं आएंगे. ठीक है ना, गुस्सा किया उन्होंने, विलेजर्स को नाराज होना उनका फर्ज था, उनका ये ठीक था, उनका जो अपना राइट था उनका कि वो नाराज हुए, क्योंकि गलत बात पे नाराज होना ठीक है. तो उन्होंने गुस्से से इस लड़के को बोल दिया कि जब तुम दोबारा कभी हेल्प के लिए बुलाओगे तो हम कभी नहीं आएंगे. नेक्स्ट डे व्हेन हिज फ्लॉक ऑफ शीप वर ग्रेजिंग ही सडनली सॉ अ वुल्फ. और अगले दिन क्या हुआ, अचानक से जब ये सारी फ्लॉक ऑफ शीप जो उसकी ग्रेज कर रही थी, चल रही थी, घास चल रही थी, तो ही सडनली सॉ अ वुल्फ, तो उसने सच में एक वुल्फ देखा. ही क्राइड आउट अलाउड और बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे से चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ. बट अलास, नो वन केम टू रेस्क्यू हिज शीप. बट बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी उसकी भेड़ों को बचाने के लिए नहीं आया. The shepherd boy returned home crying only with a few of his sheep. और ये जो shepherd boy था अपने घर वापस चला गया only with a few of his sheep. अपनी कुछ एक sheep को वापस लेकर, कुछ एक भेड़ें उसकी जो बच गई थी उनको वापस लेके वो अपने घर चला गया रोता हुआ. The wolf had killed many of his sheep. और उस भेड़िए ने इसके बहुत सारी sheep को मार दिया था, बहुत सारी भेड़ों को मार दिया था उसने. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही प्रॉमिस्ड नेवर टू लाई अगेन. और उस दिन के बाद उसने प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी
झूठ नहीं बोलूंगा, कि अब के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ही प्रॉमिस नेवर टू लाई अगेन। सो अब देखा आपने स्टोरी को कि एक बच्चे ने झूठ बोलकर दो बार विलेजर्स को बुला लिया, बट जब सच में जरूरत पड़ी विलेजर्स की तब वो नहीं आ पाए। वो अपनी जगह ठीक थे सारे विलेजर्स, उनको पता था कि ये बच्चा फिर से झूठ बोल रहा होगा, इसलिए वो नहीं आए। सो इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो कोई हमारे सच पे भी विश्वास नहीं करता। सो यहाँ पर भी सेम हमारा मॉरल क्या है, अ लायर्स ट्रूथ इज सेल्डम बिलीव्ड, कि झूठ बोलने वाले के सच पर भी विश्वास नहीं किया जाता। अब ये जो यहाँ पर शेफर्ड बॉय था, उसने दो बार झूठ बोला और विलेजर्स को बुलाया, और जब तीसरी बार सच बोला तो विलेजर्स ने यही सोचा कि इसकी तो आदत है ये झूठ बोलता है, तो वो नहीं गए उसकी हेल्प के लिए। सो विद दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।